हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, रेलवे एलपी सीबीटी 2 का आंसर की मतलब स्कोर कार्ड आपको आ चुका है, आप लोग मिला लिए होंगे। तो बहुत सारे के लड़के का अभी भी डाउट है इसमें। देखिए, डाउट आपके है रेलवे द्वारा कोई चेंजिंग नहीं किया गया, पार्ट ए एंड बी दोनों में बात कर रहा हूँ मैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, मतलब कि कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। इसका मतलब देखिए क्या हुआ है, जो आपने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया था रेलवे द्वारा, अभी भी वो आंसर ले रहा है, वो गलत आंसर ले रहा है और क्वेश्चन को भी डिलीट नहीं कर रहा है, यानी इग्नोर नहीं कर रहा है। अगर पार्ट बी में 75 क्वेश्चन हैं तो वो 75 पे ही कैलकुलेशन आपका 30% मतलब परसेंट निकाल रहा है, पहले इसको 100 में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे उनको होना चाहिए कि इसको इग्नोर करना चाहिए जो क्वेश्चन था, या उसको सही आंसर करके तब देना चाहिए। तो अभी भी गलत क्वेश्चन है, बहुत लड़के 4-4, 5-5 नंबर अभी भी बढ़ सकते हैं, लेकिन रेलवे द्वारा अभी भी कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। ये रेलवे द्वारा बहुत बड़ी मिस्टेक है और बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है। सेम शिफ्ट हो, किसी का नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर बढ़े हैं, किसी का नंबर नहीं बढ़े हैं और किसी के नंबर कम भी हुए हैं, तो ये सारी कंडीशन है। तो देखिए आपको क्या करना है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जल्दी से ये काम आप लोग कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपका कितने 6 तारीख तक मतलब रिजल्ट आ जाएगा और 16 तारीख तक आपका मतलब आपका साइको एलपी वाले हैं उनको साइको के लिए बुलाया मतलब कॉल, जो भी साइको का डेट आएगा 16 तारीख को क्लियर हो जाएगी, 16 से स्टार्ट मतलब हो जाएगी। तो आपको मात्र इधर 10 दिन बच रहा है और इधर इतने दम है, तो आपको क्या करना है इस वीडियो में हम यही बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कम से कम 500 प्लस लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से और शेयर से सभी को मालूम हो कि अभी भी रेलवे गलती कर रहा है और बहुत बड़ी मिस्टेक है। किसी के 4-4 नंबर से 2-2 पॉइंट से भी जो छूट रहे हैं उनका सिलेक्शन अभी भी हो सकता है। तो इसी कारण है, आप लोगों को क्या करना है हम आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे इस वीडियो में आपको क्या करना है। तो चलिए, आपको सबसे पहली बात है कि देखिए किन्हीं का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किन्हीं का नहीं बढ़ा है। सेम शिफ्ट के बात कर रहा हूँ, अलग अलग शिफ्ट की बात नहीं। किसी के नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे बढ़ गए हैं नंबर तो वो पास कर गए, किसी के उससे ज़्यादा नंबर थे तो उनके नंबर इंक्रीज नहीं हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन के सेम शिफ्ट में फार्मूला अगर अप्लाई होती है तो वहाँ सभी स्टूडेंट के शिफ्ट वाइज नंबर इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो रेलवे लग रहा है पार्टिकुलर चुन चुन के नॉर्मलाइजेशन कर रहा है कि हाँ इसको करना है, इसको नहीं करना है, एक को करना है, एक को हटाना है। तो अपने मन से क्या कर रहा है अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है, RRB की वेबसाइट पर। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वहाँ जाके आपको क्या करना है। देखिए मैंने RRB पटना की वेबसाइट ओपन कर चुका हूँ, तो आपको क्या करना है, जाके जैसे ही जाइएगा आप इस पर, तो इसमें आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाइएगा। तो देखिए कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में रेलवे का एड्रेस मालूम होगा, यहाँ पे इसका टेलीफोन नंबर होगा, तो आपको टेलीफोन नंबर वहाँ से लेकर टेलीफोन भी करना है और साथ में आपको इस मेल एड्रेस पे सभी अपने अपने जोन, जैसे आपका पटना हो गया, किसी का रांची हो गया, तो सभी जोन अपने अपने ट्रेड मेल कीजिए। मेल में पूरा डिटेल्स लिखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और उसमें बताइए कि सर मेरा पार्ट ए एंड पार्ट बी में इतने क्वेश्चन गलत थे, उसको कंसीडर नहीं किया गया है, अभी भी डिलीट नहीं किया गया है या इग्नोर नहीं किया गया है, अभी भी वो गलत आंसर आप लोग बना रहे हैं, आप उसको चेक कीजिए। पूरा डिटेल्स उसमें लिख के आपको मेल करना है। तो सभी मतलब अपने अपने जोन में कीजिए, नहीं कि कोई जैसे पटना का है तो रांची जोन में कर रहा है, नहीं, अपने अपने जोन में कीजिए और पूरा डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ के बताइए कि वो ओपन करके हो सकता है तो चेक करें, अगर टेलीफोन नंबर है तो इस पर ट्राई कीजिए। तो चलिए अभी हम वेबसाइट पे चलते हैं, देखिए उसके बाद मैं RRB मुजफ्फरपुर के वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट जाइएगा, तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ का लिखा हुआ है मेल, मेल अस, तो यहाँ से मेल कर सकते हैं या आप यहाँ पे जाइएगा, जैसे कोई भी हो तो अबाउट अस में जाइएगा, कोई भी जोन का होगा तो उसमें अबाउट अस में जाइएगा, तो आपको उसमें डिटेल्स मिलने की, पूरा डिटेल्स मिल सकता है, जैसे मोबाइल नंबर, वहाँ पे ईमेल, ये सब या एड्रेस, ये सब मिल सकता है। तो आप लोग कोई भी वेबसाइट पे है तो थोड़ा सा खोजिए हर मतलब हर जोन की, जैसे देखिए भोपाल की बताएं तो यहाँ पे अबाउट अस में जाइएगा,
तो जैसे ही जाइएगा तो इसमें आपका देखिए अबाउट अस में जाइएगा, देखिए अबाउट अस में गए तो आपका देखिए यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट मेल नंबर ये सब मिल जाएगा। तो हर वेबसाइट के अबाउट अस ये जो भी होता है या इन्फॉर्मेशन या कॉन्टेक्ट अस करके जो भी आएगा, देखिए इसमें ये है आपका आरआरबी रांची के वेबसाइट पे, जिसके देखिए एक कॉन्टेक्ट नंबर होता है ये क्लाइंट के लिए, एक देखिए कॉन्टेक्ट होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, इस वाले पे आपको करना है ना कि इस वाले पे। तो इस पे जाइए, टेलीफोन नंबर है, फ़ोन कीजिए, मेल कीजिए, इसमें बताइए कि मेरी इतनी गलती है, मेरा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है पार्ट ए एंड पार्ट बी सभी जोन की। मतलब आप लोग सबसे ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, सभी जोन पे अपना पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लिखिए, जिससे उनको मालूम चल सके कि हाँ अभी भी रिजल्ट में गलती है। और बता दूं कि आपको टाइम बहुत कम है, ये काम आपको एक से दो दिन के अंदर कर लेनी है, क्योंकि छः से पहले रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद फिर बोर्ड सुनेगी या नहीं सुनेगी, उससे पहले आप लोग कीजिए कि फिर से चेंजिंग किया जाए, मतलब उसको मतलब चेंज करके आपका रिजल्ट फिर से दिया जाए। तो आप लोग हर वेबसाइट पे जाइए और चेंज करके अपना अपना बताइए। देखिए कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे जाके आप लोग चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पे चेंज मतलब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ईमेल द्वारा, टेलीफोन नंबर द्वारा, या और ट्विटर अकाउंट पे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे देखिए हर ट्रेड का हर जोन का ट्विटर अकाउंट है, नहीं है तो पीयूष गोयल है रेल मंत्री, उस पर जाके आप लोग मेल कीजिए या किसी भी ट्रेड के उस पर मेल कीजिए। जैसे कोलकाता है, उसके बाद सिकंदराबाद है, वो भी जैसे आरआरबी पटना का भी ट्विटर अकाउंट है, वहाँ भी आप लोग मेल कीजिए और वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी उनको मेल कीजिए। अब मेल कीजिएगा तो उस पर स्क्रीनशॉट भी अटैच करने की कोशिश कीजिएगा अपने क्वेश्चन का, बताइए कि ये क्वेश्चन गलत है, आपने आंसर लिया था वो गलत है, इसको सही किया जाए। तो पूरा डिटेल्स में लिख के भेजिए और साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखिएगा। तो आप लोग कौन कौन अप्लाई कर रहे हैं तो कमेंट में मुझे बताएं, अगर कोई भी डाउट है तो इन्फॉर्म कॉन्टेक्ट कीजिए और कमेंट में बताइए या मेल भी कर सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आपको फिर मिलते हैं। तो आप लोग जितने भी कमेंट कीजिएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मतलब मेल कर रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की जब ज़्यादा से ज़्यादा मेल जाएगा तो वो ज़रूर उसको फिर से रिवाइज चेक करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी को मालूम चल सके कि कैसे कॉन्टेक्ट करना है कोई भी बोर्ड के आरआरबी के, और उसके बाद आप लोग ज़रूर मेल करें। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच।